मेहनत नहीं हो पा रहा है हमसे हाँ, उतना, हम तो मतलब कह ही रहे ना, नहीं हो पा रहा है, करना तो पड़ेगा ना। लेकिन सर मतलब यहाँ पे हमको कुछ पता भी नहीं है सर, कैसे तैयारी किया जाता है, क्या हम लोग के गाँव में मतलब पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है सर जी। तो डरना बंद करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तो पूछ लो यार कम से। चलो, कहाँ से हो? बिहार बिहार मोतिहारी सर से बोल रहे हैं, दिल जीत गया। एक बिहारी 100 पे भारी। अब तुम जो है वो ऐसा कर रहे हो कि आईटी तुम पे भारी, ऐसे कैसे हो गया? हाँ, खुश रहो बेटा, क्या हुआ? सर, मतलब जाते हैं लाइब्रेरी पढ़ने ना तो वहां पे ही सिर्फ पढ़ते हैं सर, और घर पे आते हैं तो पढ़ने का मन ही नहीं करता है, और फोन चलाते हैं और खाना खा के सो जाते हैं सर। और सर मतलब पढ़ने का इतना मन भी नहीं करता है सर। अरे तो पन क्यों नहीं करता, पूरा डिटेल में तो बताओगे? कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई टेंशन है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, ये आपका आवाज क्यों आ रहा है? तुम्हारा फोन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। आवाज उधर से बहुत खराब आ रहा है, म्यूट कर लो। फोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। और बस फोन में क्या डिस्ट्रैक्शन है? यूट्यूब ज्यादा देखते हो या अपना जो है वो जी मूवीज, यूट्यूब या कोई अपना वेब सीरीज पकड़ लिए हो, क्या दिक्कत है? नहीं सर, सिर्फ यूट्यूब। तो सबसे पहला कंडीशन आपका ये है कि आपको सबसे पहले उस यूट्यूब को देखने के लिए फोन की जरूरत पड़ती है, तो फोन को स्विच ऑफ करके रखो जब आप पढ़ने बैठो। तो पहला स्टेप हमेशा यही करना है, जब भी जिस चीज से डिस्ट्रक्शन हो उसे दूर हटाओ ना। आप गलती क्या करते हो, आप जब पढ़ते हो तो आप क्या गलती कर रहे हो कि आप उसको पहले तो फोन को ऑन रख के फिर पढ़ने बैठते हो। इवन तो आप लाइब्रेरी जाके पढ़ते हो तो सबसे बेस्ट काम कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी में जाते ही स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, या घर पे रख के जाओ लाइब्रेरी में जब जा रहे हो तो। अब तुम्हारे पास क्या होगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ना तो व्हाट्सअप आएगा, ना फोन रिंग करेगा, ना नेट खोलने की इच्छा होगी, ना कुछ होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप करोगे तो आपको अपने आप ही दिक्कत नहीं आएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जी आएगी, रीजन बीइंग क्योंकि आप अब उस चीज से दूर हो जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे यार। तो जब जिस चीज से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो उसको दूर बनाओ पहले। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है बताओ, बोलो। सर, मोबाइल स्विच ऑफ करना है। स्विच ऑफ करके रखो जब भी पढ़ने बैठो, और कम से कम पढ़ने का जो स्लॉट है वो 2 से 3 घंटे का बनाओ। तुम्हारा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, थोड़ा सही करो। सर एफर्ट लगाना भी नहीं चाहते हैं हम, मतलब डरते हैं, टेस्ट भी नहीं देना चाहते हैं सर। तो टेस्ट क्यों नहीं देना चाहते भाई? सर मतलब टेस्ट सिर्फ डरते हैं सर। तो टेस्ट देने से डरते हो, तो घर पे जब होमवर्क करो ना तुम, जो भी जैसे मैं कह रहा हूँ सिस्टम बना रहे हो 2 घंटे का, तो टेस्ट देने के डर को मिटाने के लिए जो आप घर पे होमवर्क करो उसको एज ए टेस्ट पेपर करो, टाइम लिमिट लगा के। कैसे करोगे बताओ? उसको एज अ टाइम लिमिट के साथ टेस्ट पेपर करो, टाइम लिमिट लगा के। टाइम लिमिट लगा के करने से फायदा क्या होगा आपका कि आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका टाइम लिमिट में होमवर्क अगर हो रहा है तो टेस्ट में भी टाइम पे करना पड़ता है, टेस्ट के अंदर भी सिटिंग में देना पड़ता है, टेस्ट में भी आपको नहीं आता तो भी करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, अगर ये चीजें घर पे करोगे तो वहां जाके डर खत्म हो जाएगा। अभी बेसिकली आपको डर लग रहा है, तो जो डर है आपको उसी से बचना है, समझ रहे हो मेरी बात? जी। तो डरना बंद करना पड़ेगा, मुस्कुरा के तो पूछ लो यार कम से कम। ऐसे जी घबराए सर, घबराए काहे बोल रहे हो, कहाँ से हो? बिहार मोतिहारी बिहार सर से बोल रहे हो, अरे वाह, दिल जीत लियो। एक बिहारी 100 पे भारी, और तुम जो है वो ऐसा कर रहे हो बे कि आईटी तुम पे भारी, ऐसा कैसे हो गया? है ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा सर, प्रॉमिस करो। पर सर मतलब यहाँ पे हमको कुछ पता भी नहीं है सर, कैसे तैयारी किया जाता है, क्या हम लोग के गाँव में मतलब पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है सर, तो तुम सिर्फ मैं ही एक IIT का तैयारी कर रहा हूँ अच्छा, पूरा पूरे गांव में तुम अकेले हो जाए आईटी की तैयारी कर रहा हो? जी, और यहाँ पे उतने लोग मतलब नहीं है शिक्षित लोग। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे ऊपर तो जिम्मेदारी हो गया डबल ना, कि तुम जो है वो अकेले ऐसे हो जो आईटी का तैयारी कर रहा हो, तो तुम पर तो जिम्मेदारी बड़ा हो गया भाई। अब तो तुम्हें आईटीएन बनकर दिखाना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पूरे गांव का उम्मीद टिका है। क्योंकि अगर तुम आईटीएन बन गए तो ये तो कन्फर्म है ना कि
कि तुम्हारे देख करके पूरा गांव के अंदर एक जागृति आ जाएगा। और सर माहौल तो वही तो माहौल नहीं है तो हम लोग है ना यार तुम्हारे साथ। हम तो कहते हैं हमेशा कि जब विजय सर का हो साथ तो डरने की क्या बात। तो तुम पूछा करो, हमसे गाइडेंस ले रहे हो, हमसे डिस्कशन कर रहे हो, हमारे कांटेक्ट में हो, तो कभी डरना नहीं है। हमेशा पूछते रहो, मिलते रहो, बात करते रहो, समझ रहे हो मेरी बात। हर बार आप तो एक एक हफ्ते में बात करो। अब आपको जो मैंने बोला क्या वो करोगे आप जी पक्का ना? सर, एक तो वही मतलब पता नहीं है सर, मतलब हम मतलब क्लास भी किए हैं पहले लीडर 2.1.0 में, और उसके बाद क्वेश्चन भी उतना नहीं किए हैं, मतलब कुछ कुछ किए हैं कुछ कुछ नहीं किए हैं सर। तो कुछ कुछ किए हैं, तो जो किए हैं उनमें से होते होंगे ना कुछ। जी होते हैं तो अगर होते हैं तो कॉन्फिडेंस आया ना, फिर तो इसका मतलब हो रहा है ना। यानी तुम कर नहीं रहे, गलती क्या है बताओ। वहाँ माइक थोड़ा इशू कर रहा है, थोड़ा दूर उसको करो, आवाज़ खड़खड़ आ रहा है, पीछे से आवाज़ हाँ सर, खड़खड़ आ रहा वो फैन चल रहा है सर। है। अब सही है बिल्कुल। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आप होमवर्क कर रहे थे तो आपके सवाल हो रहे थे ना, जी हो रहे तो थे इसका मतलब आपसे हो रहे हैं अगर कर रहे हो तो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब नहीं हो रहे ना, तो इसका मतलब जी आपको करना पड़ेगा ना सवाल। जी तो आप करोगे ना, प्रॉमिस करो, और जितने आते हैं उतने करो। हम थोड़ी कह रहे हैं कि सारे करो, आया ना क्या? हम ये क्वेश्चन नहीं करना कह रहे है कि सर। सारे करो। हाँ आप क्या करो, कुछ भी करो, कुछ तो करो, थोड़े थोड़े करो, समझ रहे हो? जी ठीक है, और एक हफ्ते बाद फिर से फोन करना हमको जो भी प्रॉब्लम आ रही है। सर, तो एक बार बताया था मतलब कैसे कैसे प्रिपरेशन क्वेश्चन के बाद, ऐसा नहीं होता क्लास के बाद क्या करना है। क्लास के बाद सबसे पहले नोट्स पढ़ना, आप पहला स्टेप याद कर लो पक्का। दूसरा जी आपको ये करना है कि जो क्लास के अंदर हमने पढ़ाया उससे जो होमवर्क दिया वो करो पहले। होमवर्क में अगर जो जी सवाल हो रहे हैं वो करते जाओ, जो नहीं है उन्हें गुला लगाते जाओ। और उसके बाद जो है वो जो नहीं हो रहे वो सर से पूछो, डिस्कस करो, समझ रहे हो, उनसे बात करो। जी उसके बाद जो है वो रेगुलर क्लास करते रहना 7 दिन तक जो भी हैं, ठीक है। और जो सवाल आपसे जी नहीं हुए उनको अपन अंडरलाइन करके हमेशा नोट सॉल्यूशन बना के रखो उनका। सॉल्यूशन बना के जी रखोगे है ना, और उस सॉल्यूशन को टेस्ट से पहले पढ़कर जाओ। तो ये टिप्स अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको बहुत फायदा होगा। सर, मैं मतलब 12th के साथ तैयारी नहीं की थी सर। कोई बात नहीं ना, बहुत से ऐसे बच्चे जो 12th के साथ तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन वो सब अब सेलेक्ट तो होते ही हैं। तो सेलेक्ट अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि पढ़ के ही हो रहे हैं। ये मैटर नहीं कर रहा है कि जी 12th में करो, 11th में करो या ड्रॉपर में करो, ये मैटर कर रहा है कि तैयारी करो, ठीक है। बट मेहनत नहीं हो पा रहा है हमसे उतना, हाँ हम तो कह मतलब ही रहे ना, नहीं हो पा रहा है, करना तो पड़ेगा ना। लेकिन जी भाई ये मेहनत करने के लिए कोई आएगा क्या? तुम्हारी जगह कोई और होमवर्क कर सकता है क्या? तो नहीं सर, कौन करेगा होमवर्क? मैं ही तो करूंगा। कैसे करोगे जैसा हमने बताया? करोगे ना जी क्लास के बाद थोड़ा थोड़ा सवाल सॉल्व करोगे, हाँ या ना? जी प्रॉमिस करो, यस सर, प्रॉमिस करता हूँ, आईआईटी का कसम खाओ। IIT के कसम खाता हूँ कि मेहनत करूंगा। और बोलो यही आईटी है सर, करके बताएंगे बस। यही IIT है, बस करके बताएंगे सर। थोड़ा मुस्कुरा के बोलो यार, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोलो, लगना चाहिए। तुम्हारी बात ऐसा है, इतने सारे बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि यस सर हम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं तो पक्का हमारा फायदा होगा। और हम चाहते हैं कि आपका फायदा हो, और अगले हफ्ते आप बताओ कि यस सर बहुत फायदा हुआ, अगर सही में हुआ हो तो, ताकि आपके इस बात से दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप अगर मेहनत करना चाहें तो कर सकते हैं, और आपने मेहनत की तो आपका फायदा हुआ। आपका फायदा हुआ तो आप इंस्पिरेशन बनोगे ना दूसरे बच्चों की, भाई जी समझ गए? ठीक है, अगले हफ्ते फिर से फोन करना, प्रॉमिस करो। जी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत मेहनत करूंगा अपने आप से, और जो भी डाउट होगा वो सर से पूछूंगा, और अब मतलब मेहनत करूंगा, होमवर्क करूंगा। और अगले हफ्ते फोन करूंगा। यस सर, अगले हफ्ते फोन भी करूंगा वाह, अब मुस्कुराया, ढाई और कमाल सर से कर रहा। डाउट्स भी पूछूंगा। वेरी गुड, अब मुस्कुराया तो लास्ट में आते आते है ना जी सर, चलिए ठीक है, ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक।
बाय।